नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें अगेन आउटपुट निकालना है. तो यहाँ पर हमारे मेन फंक्शन के अंदर तीन वेरिएबल्स बनाए गए हैं, तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं. सो इंट ए बी एंड सी. ए को वैल्यू हमने दी है 2 इनिशियल वैल्यू, बी को इनिशियल वैल्यू मिली है 7. सी की वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे लगाया है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी. अगर ऐसा होता है तो हमारा फर्स्ट आंसर होगा ए, नेक्स्ट आंसर हम कॉलन लगा के लिखते थे. अगर आप कंडीशनल ऑपरेटर भूल गए हैं तो आप वापस सी की वीडियोस में जाके कंडीशनल ऑपरेटर का देख सकते हैं वीडियो. बट रिकैप के लिए, यहाँ पर हमारा कंडीशन रहता है, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं हम इसको. इसके बाद यहाँ पे कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है या जो फर्स्ट वैल्यू है वो असाइन होगी हमारे यहाँ पर. अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो जो सेकेंड वैल्यू है या सेकेंड एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होने के बाद जो आंसर आएगा वो असाइन होगा यहाँ पर. और फिर यहाँ पर हमने किया है सी आउट, जिसमें हमने सी को प्रिंट कराया है एंड देन रिटर्न 0. सो जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू है 2, यहाँ पर है 7. कंडीशन यहाँ पे चेक हुई 2 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, इसीलिए जो फर्स्ट वैल्यू है वो असाइन नहीं होगी, नेक्स्ट वैल्यू असाइन होगी दैट इज 7. और जब हमारे कंसोल पे आंसर प्रिंट होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा 7. दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है.